अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग तो नहीं जानते होंगे, मुझे कुछ लोग ज़रूर जानते हैं जो नेट पे रहते हैं, सर्च करते हैं और मेरी आवाज़ को भी पहचानते हैं। नजीब के केस के बाद पहली बार मेरा मुंबई आना हुआ है और ये हमारे बब्बू भाई हैं जो यहाँ के, और फहद जो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, माँ मानता है, उसने मुझे यहाँ बुलाने का, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं एक पूरी बात तो डिस्टेंस में बताऊंगी तो आपको बहुत लंबी हो जाएगी। मैं वो काली रात 2016 की 15 अक्टूबर की रात का कुछ वाक्य आपको ज़रूर बताऊंगी, जो बच्चे हैं शायद इन्हें नहीं पता हो, क्योंकि वो काली रात 2015 की 2016 15 अक्टूबर 2016 की रात को 2 बजे मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आता है, नजीब का, जो कि 13 अक्टूबर को बदायूं से दिल्ली गया था वापस छुट्टी मनाकर, और 15 अक्टूबर की रात को उसने मुझे फ़ोन किया, अम्मी मुझे JNU में कुछ लड़कों ने मारा है और मुझे कासिम भाई मेडिकल के लिए सफदरजंग लाए हैं। मैं पहले से ही बिस्तर पे बैठी हुई थी, घबरा रही थी, क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों बेचैन हूँ, नहीं मालूम था मेरा बच्चा मुझसे जुदा होने वाला है, नहीं जानती थी मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों का नूर मुझसे छीन लिया जाएगा। उसने मुझसे कहा, मैं उठ के खड़ी हो गई कि क्यों मेडिकल क्यों, उसने फ़ोन रख दिया और मैंने कासिम को फ़ोन किया, ये कासिम नजीब को तुम सफदरजंग लेकर क्यों आए हो, क्या हुआ ऐसा। कहने लगा, अम्मी घबराइए नहीं, नजीब ठीक है और कुछ लड़कों ने नजीब के साथ मारपीट की है और उन लड़कों ने नजीब के ऊपर मुकदमा कर दिया है दहशतगर्दी फैलाने का, और नजीब जो है अपना पुलिस में केस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पुलिस का केस नहीं करना है, मार लिया मार लेने दो, कोई बात नहीं, अल्लाह इंसाफ करेगा। आप क्या कहती हैं, नजीब कह रहा है मुझे अम्मी के पास जाना है। अब जाहिर सी बात है, जब केस कर दिया गया है 10 लड़कों ने नजीब के ऊपर, तो मुझे तो दिल्ली जाना ही था, मैं उसी वक्त दिल्ली के लिए निकल गई मेरे मझले बेटे मुजीब को लेकर, और जब मैं दिल्ली पहुंची, रास्ते भर मेरी बात नजीब से होती रही, मैं नजीब से बार बार पूछती रही, बच्चा बता दे कहाँ चोट लगी है, क्या खून निकल रहा है, कहाँ चोट लगी है, क्या बात हुई है, नहीं अम्मी आप आ जाओ बस। रास्ते भर में मेरा यही सवाल, उसका यही जवाब कि अम्मी आप आ जाइए, बस अम्मी आप आ जाइए। मैं 11 बजे आनंद विहार पहुंची और वहां जा उससे मेरी बात हुई और मैंने उसको बता दिया कि मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं, अब बस तेरे पास आने वाली हूं, तुम कहीं जाना नहीं हॉस्टल में। बोला अम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हॉस्टल में ही हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं लगभग 12:30-1 बजे के करीब JNU पहुँचती हूँ और हॉस्टल में पहुँचने के बाद मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ती है तो फर्श पर नजीब की एक स्लीपर पड़ी हुई थी और इस कंडीशन में थी उल्टी सीधी, मैं ऊपर चढ़ी सीढ़ियों के ऊपर, वहाँ एक चप्पल और दूसरी पड़ी हुई थी। मैंने मेरे बेटे से कहा जो मुजीब मेरे साथ था कि मुजीब ये क्या हुआ, कैसे पड़ी हैं भैया की चप्पलें, देखो तो। मुजीब बोला अम्मी घबराइए नहीं, अंदर रूम में चल के देखते हैं, आइए। मैं रूम नॉक किया और अंदर पहुंची जब तो कासिम बैठा था। मैंने कहा मैं नजीब की अम्मी हूँ और कहाँ है मेरा नजीब, तो कहने लगा नजीब तो नहीं है, मैं नाश्ता करने गया था, नजीब को रूम पर ही छोड़ गया था, मुझे नहीं पता नजीब कहाँ है। मैं बोली ठीक है, कहीं इधर उधर हो गया होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, आ जाएगा। थोड़ी देर हुई, 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ, लेकिन नजीब का कोई पता नहीं। मैंने फ़ोन करने की कोशिश की तो मेरे बच्चे का मोबाइल वहीं बिस्तर पर पड़ा था, जानमाज टोपी भी वहीं रखी थी, तकिया फटा पड़ा था, लेकिन नजीब का कोई पता नहीं था। मैं फिर कासिम ने मुझे बताया कि नजीब के साथ क्या हुआ था। मैं बोली कहाँ है नजीब, तो बोला मुझे नहीं पता, मैं सोची ज़रूर चला गया होगा। कासिम ने मुझे बताया नजीब के रात, नजीब मैं रूम से चला गया था, नजीब को रूम पर छोड़कर
और तीन लड़के नजीब को रूम में आए थे, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और नजीब बाहर आया जैसे ही निकल के, तो उसने दरवाजे पे हाथ रखा हुआ था ऐसे करके, तो नजीब ने पूछा क्या हुआ। उस लड़के ने झूठ मूठ कह दिया, ये मेरे कलावा को पूछ रहा है ये क्या है, और उन्होंने नजीब ने छूटते ही मार दिया। नजीब इतना सीधा और मासूम बच्चा है, नजीब उम्र तो उसकी 27 साल थी उस वक्त, लेकिन दिल से वो दिल और दिमाग मतलब इतना मासूम सा है, इतना भोला है, कभी किसी को उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को डांटा तक नहीं, सीनियर को मारना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि नजीब ने हमें मारा है, और उसको बुरी तरह से तीनों ने लाते घूसे चप्पल जो जिस तरह मार सकता था उसको मारा। हालांकि नजीब बड़ा तगड़ा तंदुरुस्त 6 फुटा जवान, लेकिन वो जूनियर था, नया नया एडमिशन हुआ था, उसको 10 दिन हॉस्टल आए हुए हुए थे, वो किसी को नहीं पहचानता था, वो कुछ भी नहीं बोल सकता था किसी के लिए भी, लेकिन उन लोगों ने उसको बुरी तरह मारा पीटा और ज़ख्मी कर दिया। मारने पीटने की पटपट की आवाज़ सुनकर ऊपर जो बच्चे मौजूद थे वो दौड़ते हुए नीचे आए, देखे क्या हो रहा है। जब उन्होंने आकर देखा तो एक लड़का खड़ा था जो और सारे बच्चे उसको मार रहे थे, उन्होंने अलग किया हटाया और पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा ये लड़का हमें मार रहा है। तो उन तीनों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया नजीब को, तो उन लड़कों ने नजीब से पूछा क्यों मार रहे हो भाई आप इनको, वो नजीब बोला ही नहीं, अपना सिर पकड़कर दीवार से लगाकर इस तरह से कर रहा था, ये मुझे कासिम ने बताया। तो मैं फिर उसने लाइट जला के जब देखा तो पता चला नजीब की नाक से और मुंह से खून बह रहा है। तो उसने कहा कि तुम तो कह रहे थे नजीब ने आपको मारा है, नजीब को आपने मार लगाई है, और हटो यहाँ से। उन लड़कों ने उसको भी धक्का दे दिया और कहा कि आप हट जाइए, धर्म का मामला है, हम इसको देख लेंगे। उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसको कमरे में बंद कर दिया नजीब को, नजीब से कहा अंदर से चटखनी लगा लो। उन लड़कों ने वेंटिलेटर में से हाथ डालकर चटखनी खोल ली और लड़के बुला लिए और उसको बुरी तरह मारा, जितना वो उसके साथ कर सकते थे, माँ बहन की गालियाँ दी उसको, उसको कटुओं को मार डालो, पाकिस्तान भेज दो, 72 हूरों के पास भेज दो, दुनिया भर के उस पर इल्ज़ाम लगा, इसे हमें दे दो, हम इसको मार देंगे, छत से फेंक देंगे, इसकी बॉडी को क्रियाकर्म कर देंगे, सब कुछ। मेरा मासूम सा बच्चा कितना सहम गया होगा ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन उन जालिमों को, बेरहमों को ज़रा भी रहम नहीं आया। उस अकेले बंदे को इन जालिमों ने इस बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उन लड़कों ने ले जाकर, जो बचाने वाले थे शाहिद रजा और लड़के थे, उन्होंने उसको ले जाके वॉशरूम में मुंह धुलाने के लिए ले गए, उसको वहाँ बंद कर दिया और कहा आप लोग हट जाइए यहाँ से, और अब सिक्योरिटी वार्डर आएगा तभी कुछ होगा। उसके बाद उसमें से एक लड़का अंदर घुस गया और उसने फिर नजीब को अंदर जाके मारा। हद देखिए इनकी जलालत की कि एक अकेले लड़कों पर 10-10 लड़के सवार हैं, 20-20 लड़के सवार हैं, ये है इनकी मर्दानगी, ये है इनकी ताकत, लेकिन एक अकेले मजलूम को मार रहे थे इतने बहुत सारे लड़के मिलकर, और मेरा बच्चा खामोश चुपचाप पिट रहा था क्योंकि वो अल्लाह के वास्ते सब्र करने वालों में से है, उसने अपने हर बात अल्लाह पे छोड़ रखी है, उसकी माँ ने उसे यही सिखाया है कि तुम अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म करे तुम्हारा बदला अल्लाह लेगा, उसने कभी किसी के साथ बदला नहीं लिया। वो कभी नजीब किसी को कुछ गाली भी कोई देते सुन के चला आता है कि अम्मी उसने ऐसा कहा, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, उन जालिमों ने मेरे बच्चे को इतना मारा पीटा, इतना गाली गलौज किया, इतना डराया कि वो बेबस हो गया होगा, मैं सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है कि उस वक्त उस पर क्या बीती होगी, उसकी कंडीशन कैसी हो गई होगी जहाँ उसके जानने वाला कोई मौजूद नहीं था, किससे अपने दिल की हसरत अपने दिल की जख्म को कहता, किसी ने कुछ उसके लिए अच्छा नहीं किया। उन बच्चों ने उस वो गार्डन वार्डन आया और वो गार्ड आए उनकी सिक्योरिटी में लेके उसको आगे चले, और लोगों को मौका मिला, पूरे 25-30 लड़के और आ गए, उन्होंने उसको मारते जाते थे सीढ़ी पी से, घसीटते जाते थे, मारते जाते थे, घसीटते जाते थे मेरे बच्चे को, पता नहीं इसके साथ क्या क्या किया इन्होंने, बॉर्डर के रूम के बाहर जाके भी उसे बहुत मारा, बचाने वाले बचा रहे थे और मारने वाले मार रहे थे, ये तो अल्लाह इंसाफ करेगा कि उसके साथ इन्होंने जो किया है, उसकी सजाएं दुनिया में मिले ना मिले अल्लाह की जरूर मिलेगी, बस मैं तो यही कहूँगी अल्लाह ने हिदायत दे। उसके बाद
बॉर्डर ने भी फैसला रजीब के खिलाफ सुनाया, उसको कह दिया कि तुम्हें एक हफ्ते के अंदर हॉस्टल खाली कर रहा है मेरा बच्चा। उसके बाद फिर बच्चे उसको बॉर्डर के फैसले के बाद उसको लोग सफदरजंग लेके गए भाई, इसे मैंने आपको बताया भाई। दोपहर तक उसके पास पहुंची मेरा बच्चा, मुझे नहीं मिला। वो दिन 15 अक्टूबर का और आज का दिन मैंने मेरे नजीब की आवाज़ नहीं सुनी। मेरा बच्चा दिन में मुझे दसियों बार कॉल करता था, नहीं जानती वो कहाँ है 2 साल 3 महीने से। पूछा भी अल्लाह की पनाह में है वो अल्लाह वाला, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। मैं मानती हूँ मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी है अल्लाह उसे ज़रूर मिलाएगा, मुझसे वो अपनी माँ के पास ज़रूर वापस आएगा। और ये हुकूमत, इसने तो मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला है, ये कभी अल्लाह ताला इसे माफ नहीं करेगा। बहुत जल्दी 2019 में इसका तख्ता पलट हो जाएगा। हम जैसी माओं की बद्दुआएं और आंसू इसको रहने नहीं देंगे हम। और उसके बाद मैं पुलिस में गई, पुलिस ने मुझे धोखा दिया। पुलिस ने मुझसे कहा मेरे बेटे को और मुझे अंदर कर लिया, कहा जो हम कहते हैं वो लिखिए, आप नाम मत लिखिए उन लड़कों के, हमें नाम नहीं लिखने दिए। कहा बेटा चाहिए या नाम लिखना है, मैंने मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो कहा ठीक है आप मिसिंग कंप्लेंट लिखाइए, मैंने मिसिंग लिखा दी। उसके बाद उसने फोन पे कहा कि मैंने मिसिंग लिखाई है, नाम नहीं आने दिए। और ये हुआ पुलिस तक गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कभी मुझे नहीं बुलाया, ना मुझसे मिलने की कोशिश की, ना मुझे कोई सहारा दिया। वहाँ की VC ने, वहाँ के जो भी रेक्टर प्रोक्टर जो भी है, ज़बरदस्ती मिली तो उन्होंने एक FIR तक नहीं की। सारे के सारे संगी मिले हुए थे, पूरे प्लान से हुआ जो भी कुछ हुआ। अब मैं अदालत के दरवाजे से खटखटा रही हूँ। दिल्ली पुलिस ने पहले मुझे बहुत हिरासा किया, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने भी झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा ऑटो वाला ऑटो में बैठ के कहीं चला गया। लेकिन CBI ने इस राज को खोला, उसने कहा ये प्लांट किया गया था, ऑटो वाला ये झूठ है, नजीब कहीं नहीं गया। और ये भी नहीं बताया कि आखिर नजीब के साथ हुआ क्या। हर मुमकिन कोशिश की गई नजीब की माँ को डराने की, धमकाने की। उस मेरे घर में, मेरी माँ के घर में 50 पुलिस वाले जाके रात के 4 बजे दिसंबर के महीने में छापा मारते हैं। नजीब को कबाट में और फ्रिज में ढूंढा जाता है। ये इनकी जहरियत है, ये गंदे लोग जो कि एक साजिश के तहत हुकूमत के इशारों पर ये डंगा नाच नाच रहे थे और एक माँ को दौड़ा रहे थे बदायूं से, दिल्ली दिल्ली से बदायूं। और वो माँ थी जो हिरासा नहीं, उसे उसका बेटा चाहिए था, इंसाफ चाहिए था। और आने वाले दिनों में ये हमारी नस्लों के लिए मैसेज देना चाहते थे कि अगर तुम डरोगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, हमसे आगे निकलने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें खींच लेंगे, हम तुम्हारे ख़ानदान को तबाह कर देंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नजीब की माँ आप सबको ये कहना चाहती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, हमारी नस्ल के, हमारे दलितों के, हमारे जो मज़लूम भाई हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सारे बच्चे पढ़े लिखे और पुलिस से लेके वकील, जज, हर पोस्ट पर पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये ईमान वाले यहाँ पहुँचेंगे तो ज़रूर इंसाफ होगा। हर ऊंची जगह पे पहुंचना है, हमें विधायक भी बनना है, हमें MP भी बनना है और हमें प्रधानमंत्री भी बनना है। हमारी सोच ये है, हम मुखलिस लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, ये हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम खामोश बैठ जाएं, डर जाएं। हमारा ईमान कहता है हमें अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए और लड़ाई लड़ने के वालों के साथ खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मेरा मानना ये है कि आप लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो JNU हो, जामिया हो, MU हो या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो हैदराबाद हो या बम्बई हो, हमारे बच्चे इतनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे अपनी मेहनत से जा रहे हैं, किसी आरक्षण या किसी और उसके बूते पर नहीं जा रहे। मजलूमों को ये इस तरह डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग
जो पीछे पिछड़े हैं पिछड़े रहिए, आगे न बढ़िए। पागल पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे, लेकिन हमारा सवाल ज़रूर होगा, हम ज़रूर अपना हक लेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया है। इन 70 सालों में ये 5 साल इतिहास के काले पन्ने हमेशा याद रखेंगे हम। आगे कभी ऐसे इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। आपको लगता है कभी ऐसा हुआ है कि 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं? 8-8 रोज अखबार भरे पड़े हैं। मैंने कभी नहीं देखा अपनी 50 साल की जिंदगी में कि कभी भी किसी बड़ी लड़की के साथ भी गंदी हरकत हुई हो। आज इनकी हुकूमत में यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड रोज 1-2 नहीं सैकड़ों की तादाद में लड़कियां बर्बाद की जाती हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही रेपिस्ट हैं, इनके ही लोग मर्डरर हैं, यही लोग लिंचिंग करते हैं, यही लोग रेप करते हैं, ये और ये खुले घूमते हैं। आज तक उन 9 अपराधियों में से जिन्होंने नजीब के साथ असॉल्ट किया, मारा पीटा गया, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ अरेस्ट? क्या आई विटनेस मौजूद नहीं? वहाँ के वार्डन ने खुद लिख कर दिया कि मेरे सामने मारा, मुझे भी चोटें लगी हैं बचाने में, आंटी देख लीजिए। क्यों के वार्डन की कोई वैल्यू नहीं? क्यों नहीं है? ये हुकूमत अंधी और बहरी है। पहले पुलिस ने मुझे धोखा दिया, फिर क्राइम ब्रांच ने धोखा दिया, और अब CBI। मेरे एक बात तो अच्छी हुई है मोदी हुकूमत में कि हमारे अंदर से डर निकल चुका है, हम किसी से नहीं डरते। एक माँ चैलेंज करती है यहाँ बम्बई की इस हज हाउस में खड़े होकर, मोदी को अगर जरा भी शर्म है तो मुझसे आँख मिला के बात करे और कहे कि हमने आपके बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया, साबित करे मेरे बेटे को सामने लाकर। मेरा यकीन और भरोसा मेरे अल्लाह परवरदिगार पे है, जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी और मौत वो देने वाला है। ये हुकूमत कुछ भी कर ले वापस आने वाली नहीं। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, ये हुकूमत बदले या ना बदले, हमारे अंदर ज़रूर बदलाव आना चाहिए। हमारे भाइयों बहनों मेरे बच्चों, मैं यही कहूँगी आपसे बार बार कि तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं एक गरीब औरत, मेरे शोहर कारपेंटर, बम्बई से मेरा बहुत बड़ा वास्ता रहा है, मेरे सारे रिश्तेदार बम्बई में थे, मैं बम्बई में बहुत आई गई हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा है पढ़ाई पे लोग ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बहुत करोड़पति हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास पैसा है तो तालीम भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास तालीम नहीं, उस पैसे के कोई मायने नहीं। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते तो आप दूसरों के बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको सहूलत दीजिए। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने जाना है कि किस दर्द से मैं गुजरी हूँ, मैं कितनी परेशानियों से मैंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ने मेरी मेहनत को कामयाब किया। आज मैं नजीब की वजह से आपके सामने खड़ी हूँ, इसलिए कि नजीब JNU पहुँचा। मुजीब MTech है, हसीब भी BTech है, और मेरी बेटी भी पढ़ रही है। मैं एक बहुत मामूली घर से हूँ, मेरे घर में अच्छे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, अच्छी चप्पल कभी नहीं पहनी मैंने, बहुत बढ़िया कभी खाना नहीं खाया, मैंने मोटा पहना और मोटा खाया, अपने बच्चों को तालीम दिलाई था। हमारी आने वाली नस्लें अच्छी और पढ़ी लिखी पैदा हों, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारी नस्लें आगे पढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगी हर चीज़ में। मैं कहती हूँ आपसे फिर, आपको हर पोस्ट में पहुँचना है, IPS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, जो भी सरकारी जितनी भी सीटें हैं, इन सीटों पर बैठ कर आप अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक ईमानदार सच्चाई के साथ बेहतर कुछ कर सकेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा मुल्क है, हम इसके हक हर ज़िम्मे पे, हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है जो हम करके दिखाएं लोगों को। मैं बार बार ये कहती हूँ लोगों से, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माँ से हुकूमत डरती है जो कभी सामना नहीं करती। कभी आपने सुना है कि CBI को किसी माँ ने घेरा हो? एक बार नहीं, 4-4 बार CBI को मैंने घेरा है, मैंने उसको लॉक किया है, और वो ताकत बनी है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, जो तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से पहुंचते हैं और हर जगह प्रदर्शन करते हैं। एक प्रदर्शन मैं दिल्ली में करती हूँ तो बम्बई में होता है, पुणे में होता है, केरला में होता है, दिल्ली में होता है, लखनऊ में होता है, सारी जगहों पर वो प्रोटेस्ट होते हैं। ये हमारी एकता है। अगर एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आप बम्बई में रहते हैं तो बम्बई में आपको बहुत सारी माएँ मिलेंगी जो मज़लूम हैं, बेबस हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठती, आप उनकी आवाज़ को उठाइए, उन्हें ऊपर तक पहुंचाइए। मालूम होगा माँ क्या होती है, माँ हर चीज़ से लड़ जाएगी, माँ वो चट्टान है जो उससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आप देखना आने वाले वक्त में ये 56 इंच का सीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस
मैं यही कहना चाहती हूँ, ये नफरत बोने वाले लोग जो नफरत बांट रहे हैं, इन्हें मुँह की खान खिलाना है हम लोगों को। हम लोग मुसलमान हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ भी हैं, तो हमारा अखलाक ऐसा होना चाहिए जिससे ये लोग मुतासर हों, हमारे साथ कुछ करना भी चाहें तो डरें, इनके अंदर खौफ पैदा हो जाए। ये है हमारे ईमान की पुख्तगी। एक माँ, आपकी माँ से पूछो जाके, अगर आप आधा घंटा लेट हो जाते हो ना, तो वो कितना घबरा जाती है कि मेरा बेटा कहाँ रह गया। और मैं भी ऐसी ही माँ थी, मेरा बच्चा जब आधा घंटा लेट होता था नजीब, तो मैं दरवाजे के 50 चक्कर लगाती थी। आज 2 साल 3 महीने हो गए और नजीब कहाँ है नहीं जानती, लेकिन मेरा यकीन ये इतना पुख्ता हो चला है कि मेरा यकीन यही कहता है कि तेरा बेटा है और तुझे ज़रूर मिलेगा। और वो ताकत मुझे आप सब ने भी दी है, क्योंकि आप सब लोग तमाम हिंदुस्तान से मेरे साथ जुड़े हो। मैं यही कहूँगी कि आप तमाम माएँ, बेटियाँ, बहना, सारे लोग अपने बच्चों को, पर कुछ भी कमी है होता है, घर बार है, इसमें थोड़ी गर्मी सर्दी लगी रहती है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, लेकिन पढ़ाई को जारी रखें, उसको ना रोकने दें। हमारे घर की एक बेटी एक ख़ानदान को तैयार करती है। अगर एक बेटी पढ़ लिख जाएगी तो उसकी पूरी नस्ल पढ़ लिख जाएगी। मेरा मानना ये, मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं चाहूँगी मेरे जैसी माएँ ये मेरे जैसा ही कदम उठाएँ और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ। बाकी मैंने अब रोने की बारी मेरी ख़त्म हो गई है, अब मुझे रुलाना है लोगों को, क्योंकि मैं रो रो के थक चुकी हूँ। ये लोग याद रखेंगे कि हम किसी से लड़े थे, किसी को सताया था हमने, तो उसकी माँ हमारे सामने आ गई थी। इनकी हिम्मतें नहीं है आज। मैं, मेरी लड़ाई मेरे नजीब के लिए आपके सामने नहीं आई हूँ मैं। मेरा नजीब तो जहाँ कहीं भी अल्लाह की पनाह में है, वो ज़रूर मुझे मिलेगा और जल्द मिलेगा इंशाल्लाह। मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ जो बच्चे डरते हैं यूनिवर्सिटी में जाने से। जो माएँ डरती हैं वो बिल्कुल ना डरें। मैं उन माओं के बारे में सोचती हूँ जो, मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच गई है, दिल्ली की हुकूमत तक भी पहुँची है, वो गूंगी और बहरी है वो अलग बात है, लेकिन वो माएँ जो मुसलसल अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, बच्चे किसी के गायब कर दिए गए हैं, कुछ चले गए हैं छोड़ के, या कोई प्रॉब्लम है, वो परेशानियों में हैं, तो उनको भी उठना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और आप तमाम लोग उनकी इस काम को करने में मदद करें। ये वादा करें कि नजीब की माँ से हमने वादा किया था, हम इस माँ को भी दुखी नहीं होने देंगे और उसको ज़रूर सहारा देंगे, उसके काम आएंगे और जो कुछ बन सकेगा उसकी मदद करेंगे। मदद यही है कि आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपकी हमदर्दी सबके साथ होना चाहिए। जो हमारे इस्लाम में सिखाया गया है, कोई भी मजलूम हो उसको साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा उसका हक है कि हम उसके साथ कुछ करें, बेहतर करें। मैं हैरान हूँ आज, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पे मेरे बम्बई वाले भाई बहन बहुत कम आए हैं और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि घर बैठे भी हैं तो वो दुआ करते रहें और मेरे मैसेज को सुनें और उस पर अमल करें। शुक्रिया।